तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती। जी आप रहने दीजिए, अब काफी समय हो गया, हम घर निकलते हैं। राजा राम संकोच क्यों करते हो? 2 मिनट लगेंगे। शरीर की भूख अपनी दीवारें लांग लेती है। वैसे वो उम्र में, औहदे में मुझसे बड़ी थी, लेकिन उसका निमंत्रण देता गदराया बदन कुछ और ही कह रहा था। वो भी शायद उस पल को कैद करना चाहती थी। बुआ का चाय में कुछ मिलाना और फिर मेरी तरफ बढ़ना, साफ इस बात का इशारा था कि आज वो अपनी सारी विद्याएं, क्रियाएं, आसन और अपने सारे तजुर्बे का इस्तेमाल मुझ पर करना चाहती थी। तेज धड़कनों की ताल में मेरी उंगलियां बुआ के गदराए बदन पे चलने लगी और हम दोनों कामुक रचना के लिए बढ़ रहे थे, जहां ना रात खत्म होने वाली थी और ना ही शरीर की भूख। बुआ का पल्लू था मैं, उनके पीछे पीछे मैं ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहा था जहां दो जिस्म एक दूसरे से गहराई में खो जाते। इस अनोखी दुनिया में काम हवस नहीं, बल्कि काम एक कला है और जिस्मों का मिलना है आसन। बुआ के पास जिस्मों को जोड़ने के लिए एक नहीं 56 आसन थे।